तो क्या हाल गाइस, देखो इस वीडियो में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और गाइस मैं नेक्स्ट सीजन का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो सीजन के स्टार्टिंग में लॉबी मिलता है ना, उस लॉबी को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। कम से कम 2 हफ्ते हो चुके हैं मैं मिस कर रहा हूँ। मैंने कहा कब सीजन ख़त्म होगा, कब आएगा नया सीजन और वो लॉबी, क्योंकि उस लॉबी को खेल के लगता है कि मैंने गेम खेला है। तो मेरे हिसाब से अभी बचे हुए हैं 2 दिन और 2 दिन बाद आ जाएगा नया सीजन। और भाई उस सीजन में लेना पड़ेगा रॉयल पास, वो भी 600 रुपये वाला, तो वही लेंगे हम, क्योंकि हम उतना ही ले सकते हैं। तो गाइस एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बंदे होते हैं जो क्रेट ओपनिंग कर देते हैं पैसे चुरा के, पापा के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करके। भाई वो चीज़ मत करो, क्योंकि गन्स में कुछ नहीं रखा, ना ही कपड़ों में कुछ ही रखा। आप गेम का एंजॉय करो बस, क्योंकि मेरा जो इन्वेंट्री है ना, मैं इन्वेंट्री आपको दिखाऊंगा एक दिन, मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया, मैंने सिर्फ 40 रुपये इन्वेस्ट किए थे अपने इस पबजी मोबाइल में, जो कि मैंने 40 रुपये में लिया था रॉयल पास, वो भी समझ रहा हूँ। मैं अभी तक नहीं लेता रॉयल पास अगर मेरे पास वो ट्रिक नहीं होता। वो ट्रिक मेरे को मिला था, तो भाई तो उस ट्रिक का क्या सीन था, देखो 75 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता था हर एक ईमेल आईडी पे, तो मैंने 10 ईमेल आईडी ऐसे ढूंढे जो कि चलता हो, मतलब ज़्यादा दिनों के हों, तो भाई मेरे को वो मिल जाते हैं इधर उधर से, मैंने व्यवस्था कर ली। तो भाई अब 75 रुपीज़ का एक ईमेल आईडी पे छूट मिलता था, तो 79 रुपीज़ के 60 UC मिलते थे। तो भाई मैंने 4 रुपये के 60 UC खरीदे 75 रुपीज़ के डिस्काउंट पे। तो वही सीन था, वही चीज़ मैंने की और 40 रुपये मैंने रॉयल पास लिया, और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिलवाया। तो भाई वो ट्रिक बोलो या फिर कुछ भी बोलो, क्योंकि वो लेजिट तरीका था, उस पर कोई भी, क्योंकि आपको एक ईमेल आईडी पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसका प्रॉफिट मैंने लिया और ऐसे ही मैंने ईमेल आईडी से ले लिया जो भी रॉयल पास था। और ये गन्स के स्किन जितने भी आप देखते हो, ये सब भाई फ्री के हैं, एक भी मैक्स आउट नहीं है, ये एक भी लेवल 2 का नहीं है, सब फ्री का है जितना भी है मेरे पास इन्वेंट्री में। और भाई जो यूट्यूबर्स क्रेट ओपनिंग करते हैं, या तो भाई वो स्पॉन्सर्स होते हैं या तो कुछ उनका दूसरा सीन होता है, लेकिन भाई वो फ्री, वो अपने जेब से एक भी रुपया नहीं लगाते हैं। तो ये सीन अपने दिमाग में डाल लो कि भाई वो पैसा खर्च कर रहे हैं गेम पे, वो नहीं कर रहे हैं वो। तो गाइज वो क्रेट ओपनिंग स्पॉन्सर रहती हैं, तो भाई आप लोग मत किया करो, आप लोग वेस्ट मत करो अपना पैसा, गेम खेलो एंजॉय करो बस और कुछ नहीं। तो गाइज अब हम आ जाते हैं अपने गेम प्ले पर। तो यहाँ पर हमने एक मोलोटॉप कर दिया, इसमें बंदा होता है वेयर हाउस में, और भाई उस बंदे को देखो कितना ही ढीठ बंदा था, एक भी फूट स्टेप नहीं दिया उसने, और वो होता है सामने। मैं सोच रहा था जो लास्ट में डब्बे हैं उनके पीछे होगा, ठीक है, मैं सोचा वो निकले, लेकिन वो नहीं निकल रहा था, तो मैंने कहा अब मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे एक सिंगल फुट स्टेप्स नहीं दे रहा है बंदा, तो भाई मैं क्या कर सकता था, मैंने लेफ्ट गया फिर राइट गया, मैं बस मूवमेंट दे रहा, मैं उसको अपने आप को शो करा रहा हूँ कि भाई थोड़ा फायर कर दे, अपनी लोकेशन बताते, बाकी मैं अपना काम कर लूँगा। लेकिन भाई वो है कि मानने को रेडी ही नहीं था। तो भाई हम फिर से निकले, फिर से अंदर गए, फिर से बाहर हुए, मतलब यही सीन चल रहा था, बहुत देर चला ये सीन, और आखिरकार मेरे को पुश करना ही पड़ा उसके पास, अंधा पुश किया, ये अंधा ही पुश था, क्योंकि अब देखो यहाँ पर ऐसे बंदे भाई मतलब दिल की धड़कनें बढ़ा देते हैं, क्योंकि देखो मैंने प्रीफायर दिया इन डब्बों के पीछे, मेरे को लग रहा था कि ये डब्बे के पीछे होगा, लेकिन वो होता है वेयर हाउस के बाहर। और भाई जैसे ही उसने फायर किया, मैंने कहा अब तो रीलोड गया गन, अभी क्या कर सकते हैं, फिर वो मैं हैंडल कर लिया उस सिचुएशन को और मैं बच गया यहाँ पे। तो भाई हम यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ पे कोई बचा नहीं था, तो यहाँ से निकलते ही हम आते हैं यहाँ पर, तो मेरे को दिखता है एक बंदा, लेकिन वो होता है बॉट, मैं इसको रियल बंदा समझ रहा था, क्योंकि ऐसी जगह पर बंदे बहुत ज़्यादा उतरते हैं, तो यहाँ पर ये बॉट ही था, मैं बंदा समझ रहा था, और हमने इनको इजी किल कर दिया। जैसे ही हम इस गाड़ी को लेके तुरंत निकल रहे होते, तो अभी पीछे जाता है इस कारल का फायर। तो अब देखो उस बंदे ने मेरे को बुलावा दे दिया था कि भाई मेरे से फाइट ले ले, तो मैंने कहा अभी मैं पीछे कैसे हट जाऊँ कि उसने मेरे को बुलाया और मैं फाइट ना लूँ। तो भाई हमने लगाया गाड़ी कवर में, क्योंकि यहाँ से मेरे को अच्छा खासा कवर मिल जाएगा, तब तक बंदा कर देता है पुश, और मैं सामने से भी मार सकता था उसको, लेकिन मैंने कहा पीछे से मारेंगे तो शायद उसको मर जाए वो, लेकिन वो आगे जाके गाड़ी रोक देता। तो भाई मैंने नेट पिन किया और मैंने प्री नेट किया, लेकिन वो बंदा ज़्यादा ही एग्रेसिव था, और उसके पास थी यूजी, और मैंने उसकी यूजी रीलोड पे लगवा दी, और उसको प्री फायर देते देते मैंने कहा तू रीलोड कर फिर मैं तेरे को मारूंगा, और जैसे ही उसका रीलोड आया तो मैंने उसको भर दिया। तो यहाँ पर मैंने लूटा, और लूटने के बाद ये बॉट मिल जाता है मेरे को, इसको मैंने किल किया, और यहाँ से हम निकलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लिप लगाया हुआ है, उस क्लिप को देखना, उस पर ऑल कन्वर्सेशन आपको सुनाई देगा, ऑल पे जो हुआ भसड़ मैंने जिन बंदों को मारा, वो बंदे बोल रहे थे, बात कर रहे थे। अब देखो वो क्लिप मेरे को कहाँ से मिला, मेरा फ्रेंड है किंग FTW नाम से, उसने भाई वो मेरे को एक्सपेक्टेड कर रहा था और उसने वो चीज़ रिकॉर्ड की। तो भाई वो क्लिप देख लेना, उसका क्वालिटी थोड़ा सा लो है, लेकिन आप उसका मैं गेम प्ले पूरा दिखाऊंगा, आप सिर्फ उसका
कन्वर्सेशन सुनना उसका, क्या कन्वर्सेशन हुआ था, आपको मजा ही आएगा। तो यहाँ पर ये बंदा ड्रॉप ड्रॉप लूट के आया था, गिल्ली सूट था इसके पास, और इस बंदे से मेरा इतना देर तक फाइट चलता है, कम से कम 7 या 8 मिनट फाइट चला होगा यहाँ पर, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा ढीठ था। और ऐसे लोग मिलते रहते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ब्रोकन बॉल के पीछे होता है, उसने फायर किया दूसरी गाड़ी पे और वो गाड़ी आके यहाँ पे रुक जाती है। तो मैं नेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस नेट से तो कुछ हुआ नहीं, और ये बंदा भी आ जाता है यहाँ पर, और वो दोनों का होता है फाइट। लेकिन गिल्ली सूट फिर से छुप जाता है, और मैंने एक नेट कुक किया, मैंने कहा शायद ये अगर आता है कहीं तो मैं अगर फेंक पाऊँ तो फेंक दूंगा। लेकिन वो भाई साहब गाड़ी लेके निकल रहे थे और हमने उनको वहीं पे भर दिया। तो अभी मेरे को गिल्ली सूट की लोकेशन नहीं पता है, और भाई ये हेडफोन जो एप्पल के हैं ये साउंड इतना अच्छा नहीं देते, क्योंकि मैं शोर में बैठ के खेलता हूँ। जैसे मान लो मेरा पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, उसका साउंड ज़्यादा होता है, जिसके कारण मेरे को साउंड सही से नहीं सुनाई देते हैं। उसके ऊपर मैं एक बड़े वाले हेडफोन्स लगाता हूँ, तब मेरे को थोड़ा थोड़ा साउंड आता है, तब मैं खेल पाता हूँ। और भाई स्प्लिटर नहीं मिल रहा है, चार्जिंग और दोनों ऑक्स केबल या फिर 3.5 mm जैक बोल सकते हैं, वो दोनों एक स्प्लिटर में हों वो चीज़ मिल ही नहीं रही है ओरिजिनल। और एक मिला है मेरे को जो कि है लाइटनिंग 2 3.5 mm जैक, वो मिला है मेरे को, उसको मैंने मंगा लिया है, ऑर्डर कर दिया है, आज ही आ जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि नेक्स्ट सीजन मेरे को पुश करना है। तो भाई साउंड सेंस अच्छा होना चाहिए, साउंड अच्छा आना चाहिए, तभी आप खेल सकते हो। अगर आप शांति वाली जगह पे बैठे हो तो भाई आपके हेडफोन्स ये बेस्ट हैं, लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ा भी शोर आ रहा है तो वहाँ पे ये हेडफोन काम करना बंद कर देते हैं, स्पेशली गेमिंग के लिए। तो गेमिंग के लिए भाई, गेमिंग के लिए बाहर का साउंड नहीं आए तो आप अच्छा गेम खेल सकते हो, आप अच्छा साउंड ले सकते हो, तो वही चीज़ है यहाँ पर। और भाई गिल्ली सूट ने इतना परेशान कर रखा है कि उसको मारने के लिए मेरे को आखिरकार थोड़ा घुसना ही पड़ा उसकी साइड। तो अभी देखो जोन में जाना है दोनों को, और भाई मेरे को उसको मार के जाना है, क्योंकि उसको नहीं मारेंगे तो जोन में नहीं जाने देगा वो। और यहाँ पर मैंने फायर किया उसको, लोकेशन नहीं थी पता, फिर भी मैंने रैंडम फायर दिए, और भाई अब देखो क्या होता है, वो मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे देता है, उसने डैमेज दे दिया मेरे को। अब मैं हील करूँगा और वो भाई मेरे पे करेगा पुश। तो भाई मैं यही चाहता था कि वो पुश करे, या तो मैं करने वाला ही था, और उसने कर दिया मेरे पे पुश। तभी पीछे से आता है एक और गाड़ी और उसका ध्यान हो जाता है उसकी साइड, तो भाई मैं इतने में मैं कर देता हूँ उस पर क्लोज इन। जैसे ही उस बंदे ने उस गाड़ी वाले को मारा, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि उसने उसको मार दिया है, तो भाई मैं गाड़ी पर फायर देता हूँ, वो मेरे पर फायर देता है, और अब भाई घुसना ही था क्योंकि बहुत परेशान कर रखा था उसने बहुत देर से। तो भाई अब देखो इसको कैसे मारा हमने। तो इसको मारने के बाद भाई एक लगता है कि हम भाई मार दिया, ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड कैंपिंग कर रहा था बंदा। और इसको मारने के बाद हम निकल लेते हैं यहाँ से, और इस गाड़ी की इतनी हेल्थ लो होती कि ये मैंने देखा ही नहीं, ये ठुकते ही भाई डैमेज हो जाती है। तो भाई यहाँ से हम निकले और राइट से मेरे को साउंड आ रहे थे अपार्टमेंट की साइड से, और ये गाड़ी भी निकलती है। अब इस बंदे को मारने के बाद वो क्लिप मैं लगाऊंगा, वो जो क्लिप मैं बता रहा था शुरू से, जैसे ही ये गाड़ी ठुकी इसका हेल्थ हो गया ख़त्म, और यहाँ पे मैं मूवमेंट दे रहा था क्योंकि यहाँ से मैंने मारना स्टार्ट किया था गाड़ी के पास से, और मैं पहुँच जाता हूँ इस पेड़ पर, तो भाई मैं मूवमेंट दे के स्प्रे दे रहा था, और उसमें इतना अच्छा स्प्रे कनेक्ट नहीं होता। तो उस बंदे ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, और भाई मेरे जैसे ही मैंने स्मोक हुआ मैंने तुरंत हील किया अपने आप को, और भाई उस बंदे को मारना पड़ेगा क्योंकि वो बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा था बंदा, उसने पहले से ही जोन में जाके बैठ गया क्योंकि जोन ख़त्म हो चुका था यहाँ से, और वो जोन में पहले ही शिफ्ट हो चुका था। जैसे ही मैंने बूस्ट लगाया गाड़ी का साउंड आया, और वो पहुंच जाता है कबर में और जोन में। अब वो जोन में है और मेरे को जाना है जोन में, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही आगे स्मोक किया मैंने कहा ये फूटी हुई गाड़ी लेके जाऊंगा, जैसे ही वो स्प्रे देगा मैं तुरंत उतर के उसको मार दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में इंटर करता हूँ भाई स्मोक हो जाता है ख़त्म भाई। तभी राइट से आता है एक स्नाइपर शॉट भाई। अब मैंने कहा अब तो मरना ही पड़ेगा क्योंकि जोन में एक बंदा ऑलरेडी बैठा है मारने के लिए मेरे को, और राइट से भी मैं स्पॉटेड हूँ। तो यहाँ पर बैठा हील वील किया थोड़ा बहुत और स्मोक किए मैंने सारे, और जैसे ही मैं यहाँ पर दोबारा से निकलता हूँ, अब देखियो दोबारा से जैसे ही निकला सामने फिर स्मोक ख़त्म। तो भाई मैंने कहा अभी ओपन है टोटली, मैं मरने वाला हूँ, तो एक स्मोक बचा था मैंने वो भी कर दिया सामने, और जैसे ही वो स्मोक होता है तो अब मैं निकलूँगा। और उस बंदे को देखो कैसे मारा हमने, लेकिन बंदा खेल सही रहा था। तो जैसे ही मैं यहाँ से निकला उस बंदे का अभी तक फायर नहीं आया, मैंने कहा अभी मैं बच गया शायद उसका ध्यान नहीं मेरे पे, तब आता है मेरे पे फायर। अब देखो उसको कैसे मारा,
जैसे ही इस बंदे को किल किया वो क्लिप मैं लगा देता हूँ, और भाई वो क्लिप दिया हमको किंग FTW ने, तो भाई उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, वो मेरे को एक्सपेक्टेड कर रहा था, तो भाई उसने रिकॉर्ड किया। जब ऑल पे साउंड सुनने स्टार्ट किया उसने, तो भाई उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी और मेरे को कॉल करके बताया कि भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग है चाहिए। मैंने कहा भेज दो भाई, क्वालिटी कम अच्छी नहीं है लेकिन देखो भाई मज़ा आएगा। अरे विप्पी सिंह ब्रो, लव यू ब्रो, नाइस नाइस, यूट्यूबर है भाई ये, यूट्यूबर अच्छा खेलता है, नाइस गेम पे। अच्छा यूट्यूबर है? हां नाइस भाई, इसको भाई इतना कंफ्यूज किया तो भी भाई इसने मेरे को मारा, बहुत रावस खेला, नाइस नाइस, बहुत अच्छा खेला है। ये YouTube पे डालते रहता है, अभी इसका 10-10 किल होता है ना तो ये डाल देता है चिकन डिनर शायद से डाल देगा। ओके चलो देख लेते हैं अगर डालता है। यही ना इसका बीपी सिंह गेमिंग यूट्यूबर पे। ये भाई जो अभी मेरे को मारा ना MDS4 बंदे को, वो भाई 100% कुछ तो कुछ बोलेगा उसके वजह से, वो बोलेगा इसने बहुत परेशान किया था मुझे, इसको इतना स्प्रे दिया था ना, 1 HP रखा था भाई, गाड़ी भी फोड़ दी थी, जानते अच्छा खेला हुआ था। नहीं खेल तो अच्छा रहा है, और जिसको मारेगा गालियां तो वो देगा ही। तो भाई मेरा फ्रेंड कर रहा था मेरे को एक्सपेक्टेड, और उसने किया ये रिकॉर्ड और उसने मेरे को भेजा। पहले उसने कॉल किया कि भाई ये हुआ, मैंने कहा भेज मेरे को रिकॉर्डिंग, मैं लगाता हूँ अपने वीडियो में, लगा दिया मैंने। और भाई यहाँ पर देखो चिकन होता है, वो भी कैसे, मैं एक भी बंदे को नहीं मारने वाला, दो बंदे बचे हुए हैं, वो देखो कैसे बंदे मरते हैं, जोन से ही मर जाता है एक बंदा, एक बंदे को मार देता है दूसरा जोन से मर जाता है, क्योंकि मैंने डैमेज दे दिया था उसको अच्छा खासा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 10K होंगे या नहीं भाई जल्दी से दबा दो सब्सक्राइब वाले बटन को, क्योंकि 10K के हम लोग बहुत ही क्लोज हैं। और भाई अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाओ जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं।